दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की T20 सीरीज के तीसरे मैच में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को सुपर ओवर में हरा दिया। दरअसल आपको बता दें कि न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया, जहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 179 रन बनाए और न्यूजीलैंड को 180 रनों का लक्ष्य दिया। भारतीय टीम की ओर से रोहित शर्मा ने सर्वाधिक 65 और विराट कोहली ने 38 रनों की पारी खेली। वहीं 180 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवर में 5 विकेट खोकर सिर्फ 179 रन ही बना पाई, जिसके कारण ये मैच टाई हो गया। वहीं मैच टाई होने के बाद फिर सुपर ओवर खेला गया, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 17 रन बनाए और भारतीय टीम को 18 रनों का लक्ष्य दिया। वहीं 18 रनों के लक्ष्य को भारतीय टीम ने ओवर के अंतिम बॉल में ही हासिल कर लिया और इस मैच को सुपर ओवर में जीत दिया। वहीं तीसरे T20 मैच में भारतीय टीम से सुपर ओवर में हारने के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में बड़ा बयान दिया है। दरअसल केन विलियमसन ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, सुपर ओवर हमारे लिए बहुत सफल नहीं रहा, इसलिए हमें नियमित समय में इसे जीतने के लिए थोड़ा बेहतरीन होना चाहिए। क्रिकेट एक महान खेल है और आज भारत ने फिर से क्रंच स्थिति में अपना अनुभव दिखाया है। ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। केन विलियमसन ने आगे कहा, शानदार शुरुआत करने के बाद हमने अच्छी गेंदबाजी की, गेंदबाजों के लिए इसमें था, लेकिन दोनों पक्षों ने स्कोर बोर्ड को देखते हुए सीमा के छोटे हिस्से को टारगेट किया और क्रिकेट का बहुत अच्छा खेल बनाया। उस तरह के प्रयास होने के बाद भी हार जाना हमारे लिए बहुत निराशाजनक है। हमारे लिए बीच में कुछ समय बिताना और कुछ साझेदारी बनाना अच्छा था, क्योंकि इस डेक पर शुरुआत करना आसान नहीं था। फिनिशिंग लाइन को पार नहीं करना निराशाजनक था। ये छोटे मार्जिन का खेल है, ये हमसे बेहतर प्रदर्शन था।